नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। शुक्रिया कविता, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। साल का आखिरी अंतिम और तीसरा सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को पड़ रहा है और ऐसे में ग्रहण का प्रभाव खास तौर पर कन्या राशि पर कैसा पड़ेगा, किन दुष्प्रभाव से दूरी रखने के लिए या फिर कहें कि दुष्प्रभाव से बचने के लिए कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए, हर पहलू पर हम बात करेंगे मयंक जी से। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ग्रहण का समय क्या है। जी बिल्कुल, देखिए दर्शकों के लिए बहुत जाना जरूरी है कि आखिर ग्रहण का समय क्या है। देखिए ग्रहण का समय जो है 26 दिसंबर के दिन बृहस्पतिवार के दिन धनुराशि में ग्रहण पड़ रहा है, वो सुबह के समय ये 8:17 से स्टार्ट होगा और सुबह 10:57 तक ये ग्रहण का समय रहेगा और इसका सूतक एक दिन पहले लग जाएगा शाम को 5:31 से। तो इस समय आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए वो हम आपको बताएंगे और आपकी राशि पर ये ग्रहण कैसा फल देने वाला है ये भी आपको बताएंगे। अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है तो उसके भी आपको रेमेडीज बताई जाएंगी इस प्रोग्राम के जरिए, आप ये देखते रहिए। बिल्कुल, और ग्रहण के दौरान आपके ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, आइए सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखिए ग्रहण के दौरान कन्या राशि वालों की जो सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं है, थर्ड हाउस में मंगल है, फोर्थ हाउस में इनके 6 ग्रह होंगे, गुरु केतु बुध शनि सूर्य और चंद्रमा, और इनके पंचम भाव में शुक्र की स्थिति होगी, छठे भाव सप्तम भाव अष्टम भाव नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है, दशम भाव में इनके राहु है और एकादश और द्वादश भाव भी खाली है। तो कुछ इस तरह के ग्रहों की स्थिति यहाँ पर रहेगी। हम आपको ये जो आपको हम प्रभाव बता रहे हैं कन्या राशि वालों, ये ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर बता रहे हैं कि ग्रहण काल के दौरान कैसा और आने वाले समय में आपके ऊपर आपकी राशि पर ये कितना सकारात्मक या कितना नकारात्मक प्रभाव रहेगा ये आपको बताएंगे आज। बिल्कुल, ये तो मयंक जी ने आपको बताया कि ग्रहण काल क्या है, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक ग्रहण लगेगा, सूतक कब लगेगा। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये जाते जाते मतलब ये भी शुभारंभ मतलब स्वास्थ्य से आपके स्वास्थ्य पर ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण का जो असर होगा वो नव वर्ष पर भी पड़ेगा, ऐसे में आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी बड़ी परेशानी नज़र नहीं आ रही है, इनके छठे भाव में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है, तो उनको स्वास्थ्य को लेकर कोई खास दिक्कत नहीं रहने वाली है। इनका स्वास्थ्य जो है पहले से जो समस्याएं चल रही थी वो थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, गुरु यहाँ आ चुके हैं बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इनको क्या करना है, अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना है, माता जी के स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ सकती है इस चीज़ का उनको कन्या राशि वालों को ध्यान देना है, वरना खुद के इनके स्वास्थ्य में कोई ऐसी बड़ी परेशानी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि जिन लोगों को कफ कोल्ड की शिकायत रहती है, जिनको अस्थमेटिक कोई प्रॉब्लम है या चेस्ट में कोई इन्फेक्शन है वो समस्या बढ़ सकती है, तो आप इन कन्या राशि वालों आपको अगर ये समस्या है तो इसका आप ध्यान रखिए, या ये समस्या थोड़ी सी आपको नव वर्ष के आसपास बढ़ सकती है तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। सर्दी लगने से आपको इसमें बचानी चाहिए जिसकी वजह से ये समस्याएँ बढ़ती हैं। बिल्कुल, तो ये तो हमने जान लिया कि ग्रहण का आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या असर रहेगा, और अब बारी आती है रिश्तों की। जी हाँ, ग्रहण का खास तौर पे कन्या राशि वालों के रिश्तों पर क्या प्रभाव रहेगा और कितनी मधुरता रहेगी, क्या पता कहीं कोई खटास आ सकती है, रिश्तों में वाद विवाद इन चीज़ों में पड़ सकते हैं आइए ये भी जान लेते हैं। मुझे कन्या राशि वालों की ये है कि जो प्रेम संबंध बहुत ही मजबूत रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र है, लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, कोई लव रिलेशन चल रहा है तो वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जब गुरु के साथ केतु हैं और दशम भाव में राहु है तो देखिए केंद्रीय प्रभाव, सप्तम भाव से हम जीवन साथी को देखते हैं, केंद्रीय प्रभाव कुछ ना कुछ ये आपका सप्तम भाव पर नज़र पड़ता है, इसकी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी से बचना है, जीवन साथी की बात को मानना है, उनकी फीलिंग्स को समझना है, ये चीज़ कन्या राशि वाले करेंगे तो कोई बड़ी परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में नहीं आने वाली। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तों में मिठास बनी रहे तो अपने जो आपकी पत्नी है, जो आपके पति हैं, उनके वाद विवादों से बचें और कोई भी गलतफहमी अपने रिश्तों में ना पालें, वरना जिसके चलते ग्रहण का असर आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास भी ला सकता है। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं कार्यशील, जी हाँ कारोबारी, और बात करें नौकरी पेशे वाले लोगों पर ग्रहण का किस तरह से असर पड़ेगा,
सकारात्मक रहेगा या फिर नकारात्मक पड़ेगा, आइए जानते हैं। देखिए अगर इनके काम कारोबार की बात करते हैं तो उनका लग्नेश और दशमेश जो बुध बनता है काम कारोबार का स्वामी, वो बुध इनका केतु के साथ और शनि के साथ सूर्य के साथ भी यहाँ स्थिति बन रही है, तो उनको काम कारोबार में सफलता मिलेगी, लेकिन इनको सावधानी भी बरतनी चाहिए। कोई लापरवाही करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, लापरवाही नहीं इस समय करनी चाहिए, अन्यथा काम कारोबार आपका अच्छा रहेगा, कोई बड़ी परेशानी इस ग्रहण के दौरान आपको नहीं रहेगी, किसी तरह की बिजनेस या जॉब में कोई समस्या नहीं रहेगी। हालांकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन शनि के ढैया का ज़्यादा प्रभाव नहीं रह गया है, 24 जनवरी 2020 को ये भी समाप्त हो जाएगी, तो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रहण का आप पे नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपका सकारात्मक प्रभाव ही रहेगा और अच्छे फल मिलेंगे, शुभ फल आपको मिलेंगे ग्रहण काल के दौरान, लेकिन सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी और कहें कि फालतू की चीज़ों में ना पड़ के आप सिर्फ अपने काम पर ही फोकस रहेगा। और अब हम बात करते हैं, हमने बात करी आपके स्वास्थ्य से संबंधित रिश्तों को लेकर, कार्यक्षेत्र को लेकर, और अब बात करते हैं छात्र छात्राओं की। जी हाँ, छात्र छात्राओं पर खास तौर पे ग्रहण का किस तरह से प्रभाव रहेगा, आइए ये भी जान लेते हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला ग्रहण का, क्योंकि शिक्षा भाव पर कोई असर नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत करेंगे बड़ी सफलता उनको हासिल होगी। जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाह रहे हैं विदेश यात्रा के लिए, विदेश जाकर हायर एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, तो मेहनत करेंगे आपको बड़ी सफलता मिलेगी और आपका इस समय वीज़ा भी लग जाएगा। अगर पिछले कुछ दिनों से फाइनेंशियली कोई क्राइसिस थे, आपको फीस वगैरह की कोई समस्या थी, तो उसका भी अरेंजमेंट इस समय हो जाएगा। भाग्य जो है आपके पूरी तरीके से साथ दे रहा है आपका, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है कविता। अब जो कि सूर्य ग्रहण है, और ऐसे में सूर्य ग्रहण आपकी जेब पर कितना असर डालने वाला है, जी हाँ, आपके आर्थिक जीवन पर, आपके आर्थिक जीवन पर सूर्य ग्रहण का सकारात्मक प्रभाव रहेगा या फिर नकारात्मक, आइए ये भी जान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए इनके धन का कारक जो है और भाग्य कारक दोनों शुक्र हैं और पंचम भाव में, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, तो धन इनके पास आएगा, भाग्य के बल पर भी इनको पैसे की प्राप्ति होगी, तो धन की स्थिति इनकी बहुत अच्छी रहने वाली आने वाले कुछ समय तक। तो कन्या राशि वालों को फाइनेंशियल क्राइसिस कोई नहीं होंगे आने वाले साल में, धन प्राप्ति लगातार होती रहेगी, ग्रह चाल भी आने वाले समय में इनके फेवर में हो जाएगी और एक अच्छी सेविंग भी इनके पास आने वाले समय में रहेगी, तो धन प्राप्ति की कोई ऐसी परेशानी कन्या राशि वालों कुंडली में नजर नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण का खासतौर पर कन्या राशि वालों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उनके स्वास्थ्य से लेकर, हालांकि रिश्तों में थोड़ी बहुत खटास आ सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे, और साथ ही साथ बात करें कि आपके बाकी तमाम चीज़ों में आपके आर्थिक जीवन भी आपका सुगम एकदम रहने वाला है और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। लेकिन अब बारी आती है कि खास तौर पर जब ग्रहण काल चलता है तो तमाम चीज़ें चलती हैं, क्योंकि ग्रहों की जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो ग्रहों की जो स्थितियाँ होती हैं, वो हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल भी मचा देती हैं। तो ऐसे में जब सूर्य ग्रहण काल चल रहा हो, तो ऐसे में मैं जी मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन सी सावधानी खास तौर पे कन्या राशि वालों को बरतनी चाहिए। देखिए कन्या राशि वालों के चतुर्थ भाव में ग्रहण रहेगा, मानसिक तनाव से बचें, तो मानसिक तनाव से बचना चाहिए, घर परिवार में किसी वाद विवाद को टालें जो कि आपकी तरफ से हो सकता है, अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखिए, वो बहुत अच्छा रहेगा, माता की सेहत का ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी, इन चीज़ों का ही आपको ध्यान करना चाहिए कन्या राशि वालों को। चलिए जाते जाते अब जान लेते हैं उपायों की। जी हाँ, छोटे मोटे वो सरल उपाय जिनके करने से आप पर ग्रहण का दुष्प्रभाव कम हो सकता है। देखिए ग्रहण काल के दौरान आपको क्या करना चाहिए कि एक तो सूर्य के बीज मंत्र उनका जाप करना चाहिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको शुभ फलों में वृद्धि होगी, मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। और कन्या राशि वाले इस दौरान क्या कर सकते हैं, अपने मन को शांत रखिए, आप सबसे बेहतर चीज़ है, मन में किसी तरह की नकारात्मक चीज़ें मत आने दीजिए, किसी व्यर्थ का वाद विवाद नहीं कीजिए, अगर इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आधे से ज़्यादा परेशानी आपकी वैसे ही समाप्त हो जाएगी। चलिए ये तो हमने मैं जिसे जाना है कि खास तौर पे सूर्य ग्रहण का असर कन्या राशि वालों की ज़िंदगी पर कैसा पड़ेगा और किन छोटे मोटे ये सरल उपाय करने से ग्रहण का जो दुष्प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा।
और हम अपने दर्शकों को बता दें कि सूर्य ग्रहण के प्रभाव से संबंधित हमारे जो कार्यक्रम है, इससे जुड़े जो अगले एपिसोड्स हैं वो अन्य राशियों पर आधारित हैं। और इसी के साथ एक बार फिर हमेशा की तरह मैं अपने हर एपिसोड्स में अपने दर्शकों को ये याद दिला देती हूँ कि उन्हें बता देती हूँ कि अगर आपके भी आपकी अपनी कुंडली से संबंधित कोई सवाल हो, वास्तुशास्त्र से संबंधित कोई सवाल हो, या फिर ज्योतिष विद्या से जुड़ी कोई भी चीज़ अगर आप जानना चाहते हो, या फिर हमारे इस कार्यक्रम से संबंधित आपके कोई सवाल हो, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इस नंबर के जरिए मयंक शर्मा जी आपके हर सवालों का जवाब देंगे, आपकी आपकी जितनी भी जिज्ञासा होगी उसे पूरी तरह से शांत करेंगे। और इसी के साथ मुझे और मयंक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।